दोस्तों आज की कहानी है बहु हमारे या मायके वालों को उपहार नहीं देते। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और बहू क्या दे दिया तुम्हारी बुआ ने, उनका जन्मदिन था तो अच्छा ही शगुन दिया होगा उन्होंने। अब बेटी को खाली हाथ विदा थोड़े ही ना करते। स्वानी जैसे वो पार्टी से वापस आई तो उसकी सास तरुणा जी उससे पूछताछ करने लगी। मम्मी जी वह तो मुझे 1100 रुपये दे रही थी लेकिन मैंने ही मना कर दिया, हमेशा देती ही रहती हैं कम से कम, आज तो मुझे उनसे कुछ लेना अच्छा नहीं लगा। स्वानी ने धीरे से कहा, अरे ऐसा कौन करता है बेटी, दामाद का टीका तो करना चाहिए था, ऐसे ही मुफ्त में बुला लिया, उन्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं। तरुणा जी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। तरुणा जी की आवाज़ सुनकर उनके पति भी बाहर आ गए। वह भी बोले, बहू तुम्हें तो रीति रिवाज निभाने आते नहीं, तुम्हारी बुआ अगर कुछ दे रही थी तो मना क्यों किया, घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है। दोनों की बात सुनकर स्वानी का मन कड़वराइट से भर उठा। स्वानी की बुआ उसी शहर में रहती है जिसमें स्वानी की ससुराल आए दिन उसकी बुआ ससुराल में कुछ ना कुछ भेजती रहती। सासू त्यार पर मिठाई साड़ी और दामाद के कपड़े, तो फिर से स्वामी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी बुआ उसे और उसके ससुराल वालों को इतना पूछती है, वरना आजकल के ज़माने में कौन भतीजी और उसके ससुराल वालों को पूछता है, अपने ही इतने खर्चे होते हैं सबके। आज स्वानी की बुआ का पीसू तरवा जन्मदिन था तो स्वानी और विवेक पार्टी में गए थे। स्वानी ने अपनी सास से गिफ्ट के बारे में पूछा तो तरुणा जी बोली, बहू हमारे यहाँ मायके वालों को गिफ्ट नहीं देते, और उन्हें क्या शोभा देगा कि वह भतीजी से गिफ्ट लेगी, बेटिया से गिफ्ट लेकर उन्हें उतना ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा उन पर बोझ डालने का। सासू माँ की बात सुनकर स्वामी शुभ हो गई, उसे पता था कि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, वो शुभ साफ चली गई। स्वामी को बुरा तो बहुत लग रहा था लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। फिर भी विवेक ने सुंदर सा फूलों का बुके ले लिया था। जब स्वामी वापस आने लगी तो उसकी बुआ उसे 1100 रुपये शगुन के नाम से देने लगी तो स्वानी ने मना कर दिया, नहीं बुआ जी आज नहीं, एक तो मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, उस पर आपसे शगुन भी ले लो ये मुझसे नहीं होगा। अरे तेरी सास को बुरा लगेगा बुआ जी बोली तो स्वानी वहाँ से शुभ साफ चली गई। उसकी आंखें नम थी, घर आते ही सासू माँ ने हंगामा कर दिया। अभी तरुणा जी ये सब कह ही रही थी कि विवेक भी गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गया, उसने भी अपने मम्मी पापा की बात सुन ली थी। अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही स्वानी का फोन बजने लगा। स्वानी ने देखा उसकी बुआ का फोन था। स्वानी तेरी सास गुस्सा तो नहीं हो रही बेटा, तू शगुन रख लेते क्या फर्क पड़ता, कोई 1100 रुपये से मैं गरीब नहीं हो जाती, कम से कम दामाद जी के लिए तो शगुन रख लेना चाहिए था, कितना बुरा लग रहा होगा सबको घर में, मैं एक दो दिन में घर आकर शगुन दे दूंगी। बस बुआ जी और कितना करेगी आप, अब से आप कोई शगुन नहीं देगी, ना ही किसी त्यौहार पर और ना ही किसी भी तरीके से, अगर मेरी सास को शगुन ना मिलने का बुरा लग रहा है तो आपको भी तो बुरा लग रहा होगा कि मेरी सास ने आपके लिए कोई उपहार नहीं भेजा। सॉरी बुआ जी, मम्मी जी तो कह रही थी कि बुआ जी के लिए उपहार ले जाओ लेकिन मैंने ही
कह दिया कि आपने मना किया उपहार लाने के लिए, लेकिन जैसे मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे जिद करके उपहार नहीं भेजा। ऐसे ही मैंने आपको शगुन के लिए मना किया तो आप क्यों जिद करी? जैसे वो आपकी संधन है, आप भी तो उनकी संधन है। बुआ जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते, जिसके लिए दोनों पक्षों को ही हर संभव कोशिश करनी चाहिए। एक पक्ष कब तक कोशिश करता रहेगा? एक ना एक दिन तो वह हार जाएगा, और आज वह दिन आ गया है। मैं थक सूखी हूँ एक तरफा रिश्ते निभाते निभाते, बस और नहीं कहकर स्वामी ने फोन रख दिया। स्वामी की बात सुनकर उसके सास ससुर के मुंह से कुछ नहीं निकला। तरुणा जी ने विवेक की तरफ देखा तो वह बोला, स्वामी बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। दूसरों से सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान देना भी सीखना होगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। अगर आज आप बुआ जी के लिए उपहार भेज ही देती तो क्या चला जाता? अब से मैंने भी उन्हें कोई भी शगुन देने के लिए मना कर दिया है। अब से बुआ जी के घर से कोई शगुन नहीं आएगा। मम्मी, स्वामी ने सही कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बेटा, बहू की बात सुनकर दोनों के मुंह बाद हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, वो समझ गए कि अब बहू ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब रिश्ते का ये एक तरफा बंधन नहीं चलेगा। अगर रिश्ते सही है तो रिश्ते उन्हें भी निभाने